अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एच में एक्सपर्ट्स वन। तो आज हम 8th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.10 है इसको समझेंगे। और उसको समझने से पहले अगर जो मैं अभी से समझाने जा रहा हूँ, अगर आप इसको बड़े अच्छे तरीके समझ लें तो 2.10 है उसको आप इजीली हल कर सकते। तो मैंने ज्योमेट्री की दो शीट मैंने उसका नाम लिखा हुआ है और साथ में मैंने दो शीट ड्रा कर दी है। तो स्क्वायर और साथ रेक्टेंगल, इसको उर्दू में उसे मुरब्बा कहते हैं और इस सूत्र कहते हैं मुस्तकील। तो दोनों भी चार चार कॉर्नर है, इसके भी चार कोने हैं, इसके भी चार कोने हैं, इसके भी चार साइड्स हैं, इसकी भी चार साइड है। 4 साइड फिगर को स्क्वेयर कहते हैं, रेक्टेंगल भी कहते हैं, लेकिन स्क्वेयर स्पेसिफिक है। इन ऐसी 4 साइड फिगर जिसकी चारों साइड की जो लंबाइयां हैं वो बराबर हो उसको हम स्क्वेयर कहते हैं। ये चार साइड हैं, अगर चारों की लंबाइयां एक जैसी हो जाए उसको नाम देंगे हम स्क्वेयर का। आगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक ऐसी 4 साइड फिगर होती है जिसकी जो ऑपोजिट लेंथ होती है वो बराबर होती है। अब इसकी क्या ये बात करते हैं, अगर मैं लेट्स तो इसकी लेंथ कहता हूँ ये 5 है, तो तमाम लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 होंगे। अगर मैं कहता हूँ कि लेंथ 8 है, सारी जो लेंथ है उसको नाम कह दे गया, मतलब जो भी लेंथ होगी उस ओवरऑल सारी क्या होगी सेम होगी। अगर इसको मैं एक्स कहता हूँ तो ये भी एक्स होगी, अगर ये वाई है तो ये भी क्या हो जाएगी वाई। ये है इनमें दोनों डिफरेंस। अब इसकी बाउंड्री नजर आ रही है, ये साइड वाला इसकी बाउंड्री है ना, इसको कहते हैं पेरिमीटर। इसकी बाउंड्री है उसे क्या बोलते हैं, पेरिमीटर। और पेरीमीटर निकालते हैं तो शॉर्ट कट फॉर्मूला है, तो मैं 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मतलब ये मैं अगर हम स्क्वायर का बाउंड्री वाली जो है लंबाई पूरी बनती है वो निकाल पड़ जाए, हम लेंथ जो दी होगी उस लेंथ को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, हमें क्या मिल जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर इसको बाउंड्री कहते हैं। आगे इसमें भी अंदर जगह घिरी हुई है, ये इसमें कुछ इलाका है इसे कहते हैं स्क्वायर रकबा या कहते हैं एरिया। और अगर स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ जाए फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, इट मींस दैट कि लेंथ का स्क्वायर और एरिया को मेंशन करते हैं ए के साथ और पेरिमीटर को मेंशन करते हैं पी के साथ। तो मैंने एक दो लिखे हुए हैं फॉर्मूले, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएगी जब हमें उसकी चारों साइडों की लेंथ होनी है और एरिया लगाएगी फॉर्मूला अगर हमें उसके अंदर जगह ढूंढनी पड़ेगी। और अगर उसने एक एरिया लिया हुआ हो, एरिया गिवन हो और लेंथ ढूंढनी पड़ जाए तो हम एरिया का स्क्वायर निकालेंगे। अगर एरिया गिवन हो किसी स्क्वायर का और हमें लेंथ की डिमांड कर दे, हमने क्या करना है उस एरिया का स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके हैं, या आपको फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइज करें या सिंपल फैक्टराइज करें या बाय डिवीजन मेथड करें, वो हमारी मर्जी है। दोनों में से जो तरीका इसी होगा वो करेंगे। अगर लेंथ गिवन है और एरिया को हमने करना है फाइंड, हम लेंथ को लेंथ से करेंगे मल्टीप्लाई और साथ सी एम स्क्वेयर मीटर स्क्वेयर या के एम स्क्वेयर यूनिट लगा लेंगे। अब आते हैं रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, और जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो इसकी लेंथ और विड्थ डिफरेंट होगी, अगर फर्स्ट लेंथ है 2
तो विल्स मेरी फोन नहीं सीख तो लेंथ जितनी भी होगी विल्स क्या तो इसका उतने टाइम टू टाइम थ्री टाइम हो सकते हैं या जितने वेरी भी हो सकती है। अब हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एक तरह ये सारी आपको मैंने बता दूंगी अब हमारा असल टारगेट है मैंने लिख तो होगी। अब आते हैं सीधे सवाल पे। तो पहला जो सवाल है द लेंथ ऑफ स्फीयर शेप बॉक्स इज उसने क्या दिया हुआ है लेंथ गिवन है लेंथ ऑफ बॉक्स दी हुई है तो लेंथ को हम एल से मेंशन करेंगे और वो लेंथ है 324 सेंटीमीटर। हमसे जो बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ बॉक्स अगर लेंथ गिवन हो एरिया ढूंढना पड़ी है तो हम लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा एरिया। तो एरिया हमने फाइंड आउट करना है। वी नो दैट हमें फॉर्मूले का पता है क्या फॉर्मूला है एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ या लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ मेरे पास है 324 ऊपर हम लगा देंगे इसे स्क्वायर। हमने करना क्या है 324 को 324 से ही मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए मैं कैलकुलेटर क्या ले लेता हूँ 324 मल्टीपल टू 324 तो आंसर मुझे मिल गया 1049 76 cm², तो मैंने कहा था एरिया होता है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या मीटर स्क्वायर होता है या किलोमीटर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे हमने सीएम स्क्वायर लिखा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन था। इन द सेम वे हमारा क्वेश्चन नंबर टू भी ऐसे ही है लेंथ गिवन है एरिया फाइंड कर लें तो उसके लिए सिंपल आप एरिया का लेंथ का स्क्वायर ले लेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर टू है वो भी हल हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है इसको समझिएगा ध्यान से द लेंथ ऑफ स्पेसशिप लॉन इज एक लॉन है कि जो स्क्वायर टाइप है मतलब उसकी चावल का सेम है तो लेंथ कितने लिखी हुई है कि हमारे पास लेंथ को एल से करेंगे मेंशन वो है कि 3 मीटर है। आगे से व्हाट विल बी द एरिया ऑफ लॉन मतलब उसका एरिया क्या है उसके अंदर वाला हिस्सा एरिया फाइंड कर रहे हैं नंबर वन। दूसरा इसे भी बोला हुआ है also tell what will be the its cost for growing grass at rate of R75 per square meter मतलब इस लॉन के अंदर घास को प्लांट करना है और एक स्क्वायर मीटर 75 रुपए है तो टोटल कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहला काम हम इसका बनेंगे एरिया उसने बोला हुआ है तो वी नो दैट एरिया निकालने के लिए हम लेंथ का स्क्वायर लेंगे डायरेक्ट या लेंथ को लेंथ से आपकी मर्जी है जैसे मर्जी का अगर वो 50 मल्टीप्लाई टू 50 तो आपने क्या करना है 250 को 250 से 15 मल्टीप्लाई तो 50 मल्टीप्लाई 50 आंसर मिल गया है 625 मीटर। ये हमें मिला है एरिया। अब हमें निकालना है कि जो इसमें घास लगानी है तो इसके अंदर लगनी ना तो उसके बाहर लगनी है तो इसके अंदर जो घास है अगर वो 75 रुपए हो तो कितने पैसे आएंगे टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रास जब उसमें ग्रास को प्लांट करेंगे एक के हैं 75 रुपए और हमारे पास कितना एरिया है 625 और साथ हमने लिखा है आरएस मल्टीप्लाइड बाय 75 तो आज तो मिल गया 4 6 8 7 5 0 मतलब उस गार्डन के अंदर या उस स्टेट शेयर लॉन के अंदर जो प्लास का खर्चा आना है वो उतने रुपए होगा। इसके बाद सवाल नंबर तो 4 है जी हमारा तो सवाल नंबर 4 के स्टेटमेंट समझते हैं जी। तो सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ स्फीयर शेप फील्ड इज एरिया दिया हुआ है एरिया को लिखेंगे ए के साथ और एरिया है कितना
14400 क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, वो जो स्क्वायर है समझ लीजिए स्क्वायर है इसका एरिया को ना चला गया, इसकी जो लेंथ साइड की लंबाई है फुल लंबाई का होगी। तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा फॉर्मूला, अगर एरिया गिवन हो और लेंथ ढूंढनी पड़ दे लेंथ को ऐसे पहले डिमेंशन और लेंथ निकालने के लिए हम एरिया का लेंगे कि स्क्वायर हो स्क्वायर के डिफरेंट मेथड्स थे। आप उसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, सिंपल फैक्टराइज कर सकते हैं या बाय गडियन मेथड। तो गडियन मेथड है सबसे इजी मेथड है। इसको क्या हो विल हैज पार्ट मतलब लेंथ ऐसी है 14400 इसका हम निकालेंगे स्केल के तरीका लगाएंगे गडियन मेथड का शॉर्टकट है 14400 उसके लिए पेरी कर रहे हैं और मेरे शुरू करते हैं भाई गाइस दोनों को पेरी करना है। अब हमने इसके बाद करना क्या होता है, हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्केल ले और फर्स्ट उसके क्रिएट रिवायर करें वो वन है, वन वन जा हमने माइनस किया तो जीरो बचेगा, ऊपर से हमें 44 नीचे उतारना पड़ेगा। अब जो भी नंबर यहाँ पे बचेगा ऊपर लिखेंगे आप उसका डबल करेंगे तो सात उस जगह जो 14 है इधर हमने एक ऐसा नंबर लिखने वो नंबर ऊपर भी आएगा जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंस करीब ये आई है से करीब डिवाइड तो टोटल का प्रोडक्ट को बाकी बचा एक तीन बचा जीरो को हमने जीरो एक लगवानी है। तो लेंथ मिली है हमें तो मिली है 120 मीटर ये हमारा क्या होगा ये आंसर है। इसी तरीके से जो आगे सवाल है सवाल नंबर हमारा 5 है जी द एरिया ऑफ अ स्केल शेप फील्ड इज एरिया गिवन है क्या खाया करना है हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग द साइड्स एट द फेंस। एरिया की हेल्प से हमें ढूंढना ये है हमने इस जो गार्डन है उसके इर्द गिर्द लकड़ी की बाड़ लगानी है या खारदार झाड़ियां लगानी है लोरी भी बोलनी है उसकी इतनी लंबाई होगी वो लंबाई मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारा एरिया गिवन एरिया को कैसे लिखेंगे तो एरिया है कितना 42500 स्क्वायर मीटर। हमने क्या करना है हमने लेंथ ऑफ स्क्वायर ढूंढनी है कि जो हमें चाहिए उसको लिखते हैं बड़े एल के साथ फाइंड करनी है। मतलब ये हमारा गार्डन है लेट्स सपोज एरिया का कट है हम ये जो फेंस है जो बाड़ है वो इसकी चारों तरफ लगानी है और इस काम के लिए हमारे पास काफी सा एक लेंथ है वहां जरूरी हो तो एरिया से लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे पहले तो हम एरिया का लेंगे का स्केल लेंथ 42500 आगे उसको हम तो हम हल करेंगे 42500 मेरी करेंगे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्केल करें करीब भी पाए कॉपी टू को 6 का डबल जो होता है 12 को अगर हम 5 से करते हैं तो 525 और एक जीरो का पेड़ रखे तो उसको जीरो का ऊपर एक जाना नहीं तो मतलब क्या होगा लेंथ मिल रही है वो मिल रही है 680 मीटर ये लेंथ है एक साइड में। हमारी डिमांड है हमने चारों तरफ बाड़ लगानी है उसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या दो भी चीज है स्ट्रिंग या कैंसर ऑफ स्ट्रिंग है तो वो चारों तरफ लगनी है तो असल में कौन से पैरामीटर पूछ रहे हैं तो जो आठ सूर्य है उसको हमने फोर से कर देना है मल्टीप्लाई 4 बाय 650 तो हमें आंस मिला है 2600 मीटर मतलब इतनी लेंथ होगी तो फेंस लगेगी बंबा फेंस नहीं लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 12 to 5 डबल 0 ट्रीज एक मालिक है जो कि दरख्त है
उनको ऐसे लगाना चाहता है कि जितनी रोज रोज इतने ही दरख्त, मतलब हर गांव में दरख्तों की तादाद रोज की तादाद बराबर है। आपने सिंपली इस पर क्या निकाल देना है, शेर रोज निकालने। इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 7 है। 7 और 8 एक तरीके के हैं, तो समझ में ध्यान से है। सारा काम स्टेटमेंट का है, जब स्टेटमेंट लग जाती है तो आगे जस्ट रेगुलेशंस होती हैं, और रेगुलेशंस तो वहाँ बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, एरिया गिवन है वो लेकर है रेक्टेंगुलर फील्ड 1,0,0,9,2 स्क्वायर मीटर। आगे से लिखा हुआ है इट्स लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। तो हमें लेंथ ब्लैक करना पड़ेगा, इसकी लेंथ है ट्वाइस है विड्थ के। हम कहते हैं कि विड्थ क्या ना बच्चों, तो हम ले लेते हैं एक्स, तो लेंथ कितनी होगी। उस सवाल में लिखा हुआ है कि जो लेंथ है वो विड्थ का 3 टाइम है, मतलब ये बढ़ जाएगा 3x। विड्थ को कितने बड़े साथ लेंथ को एल का लेंगे दूस। आगे वो हमसे कहता है व्हाट टू फाइंड इट्स पेरिमीटर, क्या हम लोग उसका पेरिमीटर निकालो। तो रेक्टेंगल के पेरिमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ + विड्थ। मतलब हमारे पास अगर लेंथ और विड्थ है तो उनको प्लस करके हम डिवीजन करेंगे मैट्रिक्स का, तो आंसर ये हमारा पेरिमीटर होगा। तो सवाल में हमें हमारे पास बस एरिया है, पेरिमीटर नहीं रहेगा। एरिया की हेल्प से हमें लेंथ भी चाहिए और साथ में चाहिए विड्थ चाहिए, जब निरेटिव हम पहला देखते हैं। अब एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो मेरे पास एरिया है 1,0,0,9,2, लेंथ मेरे पास है 3x और विड्थ मेरे पास x है। इसकी पावर 1, इसकी पावर कितनी है कम, 3 ये दो से बढ़ कितने हो गए। तो लेंथ क्या कर दी डिवाइड है 1,0,0,9,2 डिवाइडेड बाय 3, इधर से बच्चों आ गया मेरे पास x का स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने 1,0,0,9,2 को 3 पे डिवाइड कर दिया, तो मुझे आंसर बच्चा मिल जाएगा 3,3,6,4 इधर है एक्स के ऊपर स्क्वायर। अब मेरे पास लेंथ डिफरेंट है ना, इधर मेरे एक्स ऊपर स्क्वायर है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्स के ऊपर स्क्वायर आ चुका है, तो मैं एक नॉर्मल स्क्वायर को क्लियर करूंगा। एक्स के स्क्वायर इक्वल टू है जी 3,3,6,4 ऊपर स्क्वायर, ये फर्क देगा x इज इक्वल टू 3,3,6,4। अब इसका मैंने स्केल भी निकालना है, तो 3,3,6,4 5 पे जाएगा, 5,5,25 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, कैरी करेंगे 13 में से 5 गया तो 8,64 वैसे 5 पर डबल करना जी 10। अब हमने क्या करना था, हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसका स्केल लें और नंबर से करें मल्टीप्लाई, तो जो आंसर है वो एग्जैक्ट है, तो नंबर 8 बन जाता है। 8×64 81 आ रहे हैं, तो मुझे जो लेंथ का आंसर मिला वो कितना लगा है कि 1। ये असल में मुझे मिली है विड्थ, तो लेंथ निकालने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, खरीद से कर दूंगा मल्टीप्लाई 58 को मैं फिर से दिया मल्टीप्लाई, मुझे आंसर मिल गया 1,73,4। तो लेंथ भी मालूम हो गई है और विड्थ भी मालूम हो गई है। तो पहले भी तरह का फॉर्मूला होता है 2×लेंथ + विड्थ, तो 2y वैसी है और लेंथ मेरे पास कितनी आई है थी 1,74 और विड्थ 58 है, इन दोनों को मैंने करना है प्लस, तो मुझे आंसर मिला 2×2 3×2। अब इसको मैंने रूप से कर देना मल्टीप्लाई, तो 4,6,4 मीटर पेरीमीटर का आंसर आ जाओ होंगे। जिस पर इसके बाद इसका सातवां आठवां सवाल है,
वो भी वो बहुत ऐसे भी है लेकिन उसमें उसने इंडिया का लॉक है तो इंडिया का पर्दा है, लेंथ का भी पता है लेकिन उसमें लेंथ लेकिन लेंथ हो पाएगा, मतलब सारे का सारा सवाल एक तरीका है। मैं जस्ट एक आपका सवाल है जी, एरिया कितना क्या है हमारे पास 2880 स्क्वायर मीटर, उसने बोला होगा सवाल के अंदर इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट इज विथ एक्स द वैन टू एक्स ट्वाइस को दो गुना था, एरिया के पास है 2880 एक्स मीटर टू एक्स 2880 ओवर टू इक्वल एक्स के और इस सवाल थोड़ा सा चेंज ये है, उसने जस्ट बोला मैं उसकी लेंथ और विड्थ निकाल लो, पहले मीटर का लेंथ पूछा हुआ फ्री जो लास्ट पर दो स्टेप्स एक्स के अंदर बोल रही हूँ, आगे सब तो हम स्केल भी करते हैं 1 4 4 0 1 1 1 4 उतरा 1 2 इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 और 0 का पेयर 1 0 ऊपर तो लेंथ जो लेंथ विड्थ आएंगे हमारे पास वो कितनी मिली है मुझे 1 4 की तो लेंथ क्या होगी अगर एरिया तो सेंटीमीटर आज का चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन पर ऑन ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक मतलब हो सके, रखिए यहाँ।